अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त ट्रेन किनर, और एज यूजल हम जनाब अपने सिटी रेलवे स्टेशन सरगोधा जंक्शन पर मौजूद हूं मैं अभी। और अभी जनाब 17 अप मिलत एक्सप्रेस का अराइवल एक्सपेक्टेड है हमारे पास। टाइम इस वक्त हो रहा है 2:10, और 17 अप मिलत एक्सप्रेस आज 40 मिनट डिले रनिंग पर है। और सरगोधा जंक्शन आमद आज हमारी स्पेशल है। 17 अप के साथ साथ हमें अपने एक फ्रेंड से ही मुलाकात करनी है, और ये फ्रेंड हमें सरगोधा से ही हैं, और अभी इनसे मुलाकात हम काफ़ी अरसे करना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन ये है कि आज इनसे कनेक्ट होकर मेरी फ़र्स्ट मुलाकात होगी इन पर यूट्यूब चैनल पर। ये भी वर्क करते हैं अपना, तो आइए जनाब आज की मुलाकात को इंजॉय करते हैं। सरगोधा जंक्शन प्लेटफार्म नंबर 2 पर अभी मैं मौजूद हूं, और हमारे फ्रेंड जिनसे अभी हमने मुलाकात करनी है वो अभी नहीं पहुंचे हैं यहां पर, और अभी ट्रेन अराइवल टाइम भी होने वाला है। अभी मेरी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं मैं कुछ देर तक अभी यहां पहुंच रहा हूं, तो उनसे मिलने का अभी मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी से ही। और ट्रेन अराइवल भी होने वाला है, अभी रेलवे क्रॉसिंग खुली है, और 17 अप मिलत एक्सप्रेस आज अपने मुकर्रा वक्त से तकरीबन 40 मिनट लेट रन कर रही है। इस वक्त टाइम हो गया 2:10, और ट्रैकर से अभी हमने मालूम किया तो हमें पता लगा कि चरनाली के करीब तकरीबन ट्रेन पहुंच चुकी है, और कुछ ही देर में यहां स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 पर मिलत एक्सप्रेस अराइव हो जाएगी। और ये जनाब रहे हमारे मीटअप बॉय पाक रूमी ट्रेन्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हालचाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए जनाब, आप कैसे हैं? ठीक हैं, फिट फाट। वो अपना डिस्क्रिप्शन में किया तो है उसमें अबाउट में जाके। अच्छा अच्छा, तो ये जनाब हमारी 17 अप आज की अराइवल कर रही है सरगोधा जंक्शन पर, और ये हमारे वसीम रूमी भाई भी जनाब हमारे साथ प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, तो रौनक तो लगी हुई है यहाँ पर। और ड्राइवर साहब लेट होने के बावजूद ही बड़े मूड में लग रहे हैं जनाब, विसल पर विसल और रिदम स्टाइल में विसल देते हुए आ रहे हैं, धुएं अड़ाते हुए। और ये प्लेटफार्म नंबर 1 के लिए हमारी 17 अप मिलत एक्सप्रेस कर्व ले चुकी है। और 17 अप के अराइवल के साथ साथ जनाब हमारा अमला मौजूद है यहाँ पर, क्र्यू TRX क्र्यू ट्रेन को चेक करने के लिए। हिटाची ऑन द लीड एज यूजल, हमारा फेवरेट, और वसीम भाई का भी शायद फेवरेट हो, मुझे तो पता नहीं है, बाहर के सारी फेवरेट हैं। हम तो हिटाची लवर हैं जनाब। और ये 8313 CDL रिपेयर, वाह जी वाह। TRX जनाब अभी हमारे पास आया था ये FGIR स्पेशल के साथ सरगोधा में। और हमारी 17 अप वसीम भाई के अराइवल के बाद पहुंच रही है, तो वसीम भाई हमारे आज जीत गए हैं 17 अप से।
ये मेरी फेवरेट ट्रेन है। एंड ब्रेक सप्लाई हो गई है। ये मेरी फेवरेट ट्रेन है और ये वसीम भाई भी हमारे फेवरेट है जनाब, हमने बहुत दिनों के बाद इन्हें सर्च किया। और ये ना सारा क्रेडिट जाता मुनीत भाई को। सो मुनीत भाई आप सुन लें जनाब, हम दोनों को मिलाने के लिए आपकी बड़ी काविशें हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, खुदा और आमीन आमीन। तो जनाब ये अभी टू रेल फैंस जो सरगोधा के हैं, अभी सरगोधा जंक्शन पर हम जनाब रेल लोकोमोटिव की तरफ जा रहे हैं। अभी हमारे फ्रेंड यहाँ पे मौजूद हैं, अभी इनसे बातचीत करते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट और रूमी भाई से मिलकर आज हमें बहुत खुशी हुई है। इनसे हम मिलते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे, हम जो है दोनों आते रहेंगे और ज़रूर हम यहाँ पर मीटअप अपना प्लान करेंगे पहले। और आपका तो हिटाची शायद फेवरेट नहीं है, मेरा तो हिटाची फेवरेट है। अभी फेवरेट है वो AG-30, ये AG-30 है जनाब। और यहाँ पर सरगोधा में ZCU लवर भी पाए जाते हैं, वो नूर मुगल हैं शायद ये जानते हो इन्हें, और हम हिटाची लवर हैं। हम नूर भाई को अभी यहाँ पर बुलाना मिस कर गए हैं, वो आते ज़रा दूर से हैं, लेकिन नेक्स्ट मीटअप पे इंशाल्लाह हम नूर भाई को ज़रूर बुलाएंगे और इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। हमारा मीटअप होता रहेगा इंशाल्लाह, अब तो ज़रूर होता रहेगा। PHA 28313 जो कि 17 आपको लीड कर आज सरगोधा पहुँचा है फैसलाबाद से। और ये हमारे वसीम रूमी भाई जो कि इसको कैप्चर कर रहे हैं इस वक्त सरगोधा जंक्शन पर, प्लेटफार्म नंबर 1 पर 17 अप विद हिटाची और प्लेटफार्म नंबर 2 पर दो रेल लवर, हिटाची लवर और AG-30 लवर। और रावलपिंडी शेड की पावर है। तो हमारी 17 नाम मिलत एक्सप्रेस रेडी है जनाब, ड्राइवर साहब ने सीट संभाल लिया दोबारा से और डिपार्चरिंग विसल। दे दो कोई सोना जहा पोज बाछो, कोई टाइम कट के आओ ना, टाइम कट के कोई ओके फिर। तो 17 आप मिलत एक्सप्रेस डिपार्ट फ्रॉम सरगोधा हिटाची ऑन द लीड 8313 PHA 20। थोड़ी परेशानी बन गई शायद, यहाँ पर कोई बच्चे रह गए मेरे ख्याल पीछे है ना, इसके लिए ट्रेन को थोड़ा स्लो डाउन कर लिया गया जो अभी यहाँ पर से सवार किए गए हैं और सेफली तरीके से जनाब उनको चढ़ा दिया गया।
और क्लियरेंस दी जा रही है गार्ड साहब की तरफ से कि कीप गोइंग।